मकर संक्रांति 2020 14 जनवरी को मनेगी या 15 जनवरी को मनेगी, पूरी सच्चाई अभी जानिए। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आप फले फूले, आगे बढ़े, उन्नति करें, प्रगति करें, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का वास हो, आपकी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति तथा प्रगति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको और आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति की पुनः पुनः बारम्बार बधाइयां एवं शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आपको मकर संक्रांति के विषय में बताने जा रहे हैं। मकर संक्रांति एक ऐसा महापर्व होता है जिसको सबसे बड़ी संक्रांति माना जाता है। वैसे तो संक्रांति जो कि प्रत्येक माह आती है, लेकिन सबसे बड़ी जो संक्रांति होती है उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति का अर्थ होता है कि सूर्य देवता का मकर राशि में प्रवेश करना। सूर्य देवता जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस समय को, उसके बाद के पर्व काल को, पुण्य काल को मकर संक्रांति माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में दक्षिणायन और उत्तरायण दो प्रकार की व्यवस्थाएं बताई गई है। दक्षिणायन का अर्थ होता है देवताओं की रात्रि और उत्तरायण का अर्थ होता है देवताओं का दिन। जैसे ही सूर्य देवता कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही दक्षिणायन सूर्य हो जाते हैं और मकर संक्रांति से सूर्य देवता उत्तरायण हो जाएंगे, यानी देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही कर्क संक्रांति आएगी, वैसे ही देवताओं की रात्रि प्रारंभ हो जाएगी और मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते ही देवताओं का दिन यानी उत्तरायण का प्रारंभ हो जाएगा। मकर संक्रांति के बारे में अक्सर ये मान्यता है कि अंग्रेजी तारीख के हिसाब से मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही आती है, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। मकर संक्रांति का जो महापर्व है, मकर राशि में सूर्य देवता के प्रवेश करने पर ही उसे मकर राशि के जो है पुण्यकाल या पर्व काल माना जाता है। उसी समय को, उसी पर्व को मकर संक्रांति माना जाता है। मकर संक्रांति का जो महापर्व है वो जो है कई बार 14 तारीख को आता है तो कई बार 15 तारीख को आता है। वैसे सनातन धर्म में अलग अलग पंचांगों के अनुसार अलग अलग तिथि मुहूर्तों को लेकर के कई बार असमंजस की स्थिति बन जाती है। कुछ ही दिनों में लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्यौहार आएगा, लेकिन इस बार मकर संक्रांति की सही तारीख को लेकर के उलझन की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मकर राशि में सूर्य देवता का जो प्रवेश होगा वो 14 और 15 तारीख की रात्रि में होने वाला है और 14 और 15 तारीख की रात्रि 2:21 से सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसलिए 15 तारीख को ही पुण्यकाल रहेगा, 15 तारीख को ही सूर्य देवता का जो है मकर राशि में संक्रमण माना जाएगा, क्योंकि सूर्योदय जो मकर राशि में होगा वो 15 तारीख को ही होगा। इसलिए मकर राशि का जो सूर्योदय है वो 15 तारीख को होने से मकर संक्रांति का महापर्व जो रहेगा वो 15 जनवरी 2020 को ही रहेगा। 15 जनवरी 2020 के दिन सुबह 7:19 को जो है विशेष पुण्यकाल माना जाएगा और यह पुण्यकाल 7:19 से लेकर के दोपहर 12:31 तक विशेष रहेगा और महापुण्यकाल यदि माने तो 7:19 से लेकर के सुबह 9:03 तक रहेगा। इस दौरान आप स्नान करें, पुण्य करें, दान करें और तीर्थों में जाकर के दर्शन करें तो यह महापुण्य दायी माना जाएगा। 15 जनवरी 2020 को मकर संक्रांति का पुण्यकाल पर्वकाल सुबह से लेकर के देर शाम तक माना जाएगा और इस दिन सभी लोगों को पवित्र नदियों में जल्दी स्नान करना चाहिए और स्नान करने के पश्चात देव दर्शन पूजन करना चाहिए। खास बात यह है कि सूर्य देवता जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन सभी को सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन अर्घ्य देने का विशेष महत्व माना गया है। गंगा जल में लाल चंदन, लाल पुष्प इत्यादि वस्तुओं को डाल करके सूर्य देवता को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। अर्घ्य चढ़ाने के बाद देव पूजन करना चाहिए और मंदिरों में दान करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को भी उस दिन दान करने का विशेष फल माना गया है। साथ ही यह कहा गया है कि जल में तिल डाल करके स्नान करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं।
तथा तिल के तेल से जो है मालिश करने से या हमारे शरीर के ऊपर लगाने से हमारे सारे रोग पीड़ा समाप्त हो जाती है, शरीर स्वस्थ रहता है, दीर्घायु प्राप्त होती है और हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। इसी प्रकार उस दिन तिल से बनी मिठाई का भोग भगवान को लगाया जाता है। तिल और गुड़ का विशेष महत्व इसमें माना गया है। तिल और गुड़ यदि आप किसी को दान करेंगे या भगवान को भोग लगाएंगे या प्रसाद रूप में बांटेंगे तो उसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि तिल जो कि साक्षात जो है शनि देव का स्वरूप माना गया है और गुड़ जो कि भगवान सूर्य देव का रूप माना गया है। मकर राशि में जब सूर्य देवता प्रवेश करते हैं तो सूर्य शनि देव के घर आते हैं और शनि देव के घर जब आते हैं तो दोनों की प्रिय वस्तुएं जैसे तिल और गुड़ का यदि हम भोग लगाएंगे, दान पुण्य करेंगे तो निश्चय ही हमें उत्तम फल की प्राप्ति होगी और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। माना जाता है कि सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से नाराजगी भुलाकर उनके घर मकर संक्रांति के दिन आए थे, इसीलिए इस दिन जो है पवित्र नदियों में स्नान करके, दान करके, पूजा आदि कर्म करने से व्यक्ति का पुण्य प्रभाव अनंत गुना हो जाता है। इसलिए 15 जनवरी 2020 को तिल से और गुड़ से बनी वस्तुओं का दान पुण्य करना चाहिए तथा वस्त्र का दान करना चाहिए। कंबल मच्छरदानी का दान करना भी शुभ माना जाता है और कई प्रकार की वस्तुओं का दान करना पुण्यदायी माना जाता है। खिचड़ी का दान करना भी उत्तम माना गया है। अन्नदान, वस्त्रदान, पात्रदान, स्वर्णदान, गौदान, ये सारे दान जो है मकर संक्रांति के दिन करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और मकर राशि में जब सूर्य देवता प्रवेश करेंगे तो उसका अलग अलग राशियों के ऊपर अलग अलग प्रभाव भी दिखाई देगा जो इस प्रकार रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जो व्यक्ति है उनको शुभ समाचार मिलेंगे, कहीं से कोई अच्छी खबर उनको मिलेगी जिससे घर में खुशी का वातावरण निर्मित हो सकेगा। नौकरी या व्यापार क्षेत्र में ऊंचाई प्राप्त हो सकती है, वहां से कोई शुभ संकेत उनको प्राप्त हो सकते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जो व्यक्ति है उनको धन लाभ होने का उत्तम योग बनने वाला है। रुका हुआ पैसा भी इनको प्राप्त हो सकता है या व्यापार कार्य से अच्छा लाभ इनको मिल सकता है या कहीं से कोई अचानक इनको ऐसा लाभ मिलेगा जिससे घर परिवार में खुशी का वातावरण निर्मित हो सकेगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति है उनको संतान पक्ष से सुखद समाचार प्राप्त होगा, कहीं से कोई खुशियां प्राप्त हो सकती है और संतान की उन्नति तथा प्रगति का भी समाचार इनको प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर के मिथुन राशि वालों को कई प्रकार के सुख मिलने का उत्तम दिन रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों को खर्च अधिक होंगे और कोई धन हानि का योग भी बन सकता है, इसलिए संभल करके इनको रहना चाहिए। वहीं सिंह राशि वाले जो व्यक्ति है उनको धन लाभ हो सकता है, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, रहस्यमयी तरीके से उनको लाभ हो सकता है और अन्य कई प्रकार के लाभ इनको मिल सकते हैं। कन्या राशि वालों की यदि हम बात करें तो इनको यश मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। इसके अलावा कोई ऐसा लाभ भी इनको प्राप्त होगा जिसके कारण इनको जो है अच्छी खुशियां मिल सकती है और कार्यक्षेत्र में एक नई सौगात मिलने का योग बन रहा है। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों को पद मिल सकता है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है, पदोन्नति का समाचार भी इनको प्राप्त होने वाला है और अचानक इनके जो है कार्यक्षेत्र में उन्नति तथा प्रगति होने का उत्तम योग बनने वाला है। वृश्चिक वाले जो व्यक्ति है उनको किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए, अन्यथा कलह या फिर लड़ाई झगड़े का योग बन सकता है, इसलिए इनको सावधानी पूर्वक प्रत्येक कार्य करना चाहिए। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और राजकीय क्षेत्र से कोई बड़ा पद या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसके कारण इनको खुशियां मिलेगी और घर परिवार में खुशियों का वातावरण निर्मित हो सकेगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों को यात्रा से लाभ मिलेगा, यात्रा पर जाने का योग भी बन रहा है, कहीं अचानक इनको यात्रा का कार्यक्रम बनेगा जिससे व्यापार या नौकरी के क्षेत्र में अच्छी ऊंचाई मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की।
कुंभ राशि वालों को धन लाभ मिल सकता है या अचानक इनको रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ेगा। घर परिवार में कोई मानसिक तनाव वाली स्थितियां इनके साथ निर्मित हो सकती है। कार्यक्षेत्र में किसी साथ काम करने वाले व्यक्ति के साथ में विवाद हो सकता है, तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन यदि आप भगवान सूर्य देव को अर्घ देकर के जल चढ़ाएंगे और भगवान सूर्य और शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करेंगे तो सभी को उत्तम फल की प्राप्ति हो सकेगी। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।